हरे कृष्णा। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चों से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो, चलो अभी हम लोग इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि 15 डिग्री पे है और इन द प्लेन, ये एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट है और ये स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो ए है, मास एम। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस इन द प्लेन है, इन प्लेन ऑफ प्लेट। तो अभी देखो, सिंपल सी बात है, हमें ये समझ में आ गया कि इसमें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ये क्वेश्चन भी एक ही लाइन का, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो कहाँ के अबाउट सबसे पहले, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट से, तो हमें एक एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो कहाँ से पास होती हो, सेंटर से पास हो रही हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर बनाया। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही हो। ठीक, तो सेंटर से जो वो एक्सिस पास होगी अपनी, वो इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर इसके पैरेलल है तो हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो सेंटर से पास होते हुए हमने एक एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर दिया जो इसके पैरेलल बना दे। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, ये हो गई इनके बीच की डिस्टेंस, नहीं? और अगर ये साइड ए है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बाय √2 आ जाएगी ये डिस्टेंस। क्योंकि देखो, ये ए भाई, ये ए और ये ए, तो ये हो जाता √2a, और ये √2a का हाफ, तो ये हो गया ए बाय √2। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ए बाय √2, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है, उस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। देखो कैसे, अगर हम देखें ध्यान से, तो भाई ये एंगल 45 डिग्री बना, ये एंगल 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर से और सेंटर को कनेक्ट किया गया है, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45, 90 हो जाएगा। तो ये 15 और ये 45 कितने बने, टोटल 60। तो इसका मतलब कि जो ये लाइन बनी हुई है, जो डिस्टेंस ए बाय √2 की जो लाइन बनी हुई है, ये 60 डिग्री लाइन एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। तो इसका मतलब कि ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या रहती है, यहाँ से उसको ड्रॉप करो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली गिरे, ये डिस्टेंस है अपनी डी। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू निकाल देंगे, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। तो ये 15, 45, 60 हो गए, तो ये 60, अरे ये टोटल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गई। तो ये दूरी थी ए बाय √2। अभी इस ट्राइंगल पे देख लेते हैं बस। तो ये एक ट्राइंगल को देखेंगे तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई, ए बाय √2 cos 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बाय √2 into √3/2। तो ये आ गया √3a/2√2, ये डिस्टेंस होगी। अभी इस पे अपना फॉर्मूला लगा देते पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो सेंटर से पास होती हुई किसी के भी अबाउट मैंने बताया था दो वीडियोस पहले, नहीं देखे तो बच्चों उन वीडियो को देखो। पैरेलल एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने बताया था कि एक स्क्वायर के सेंटर से पास होती हुई एक्सिस, जो उसके सेंटर से पास हो रही इन द प्लेन है, उसके अबाउट ma² / 12 रहता है। तो हमने इसके अबाउट लिखा है ma² / 12। आई एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², तो मैंने वैल्यू लिखी, तो ये हो गया ma² / 12 प्लस md², तो ये हो गया m √3a/2√2² तो ये जो अपने पास वैल्यू आई, ये हो गया 3 ma² / 8, और यहाँ पे ये हो गया ma² / 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे, 24 LCM आ गया, ये 2 आ गया, और ये आ गया 9, ये आ गया 11 ma² / 24। चलो तो बच्चों, अगली वीडियो में आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।